से खबर, जहां पर बहराइच में भेड़िया ने एक बार फिर से हमला किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया ने हमला किया, आधी रात में दो भेड़ियों ने अटैक किया। जी, आदमखोर भेड़िया ने एक बार फिर से हमला किया है, तो लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। घर में घुस करके एक बकरी को अपना निशाना बनाया है। हमले की तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये हैरान कर देने वाली खबर, जहां पर बहराइच में भेड़िया ने एक बार फिर से हमला किया है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। भेड़ियों ने आधी रात में किया अटैक। आदमखोर ने बकरी को बनाया शिकार। सीसीटीवी में कैद हुए खूंखार भेड़िये। बहराइच में भेड़ियों ने फिर से हमला किया है। आदमखोर भेड़ियों के हमले की ये सबसे ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दो भेड़िये एक बकरी को दबोचकर तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक शिकार और दो आदमखोर भेड़िये, दोनों भेड़िये मिलकर एक सफेद रंग की बकरी को ले जा रहे हैं। शिकार करने की तस्वीर तो आपने देख ली, अब कैमरे के दूसरे फ्रेम को देखिए। आधी रात का वक्त है, लाइट भी जल रही है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी दो भेड़िये दबे पांव शिकार की तलाश में गांव में दाखिल होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक भेड़िया पीछे मुड़कर देखता है, फिर वो आगे चला जाता है। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। कुछ ही देर में भेड़ियों ने एक बकरी का शिकार कर लिया और शिकार को लेकर तेजी से जंगल की तरफ भाग गए। भेड़िये कैसे गांव में घुसे और फिर कैसे बकरी को दबोच कर ले गए, ये पूरी घटना तो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन भेड़ियों ने कैसे घर में घुसकर बकरी को अपना शिकार बनाया, उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि पांच भेड़िये को पकड़ लिया गया है, जबकि सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर है। लेकिन ताजी तस्वीर में दो दो भेड़िये नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंगड़ा भेड़िये ने नया ग्रुप बनाया। लंगड़ा भेड़िया नए झुंड को लेकर घूम रहा है। भेड़ियों का सरदार है लंगड़ा भेड़िया। लंगड़ा भेड़िया अपना अड्डा बदल चुका है। घाघरा नदी के टापू में छिपा है लंगड़ा भेड़िया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिनमें 8 बच्चे और एक महिला शामिल हैं, जबकि भेड़िये के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पूरे बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आदमखोर भेड़ियों का खौफ कब खत्म होगा और बहराइच के लोग कब चैन की सांस लेंगे।